आज हम आप लोगों को सामान्य हिंदी कक्षा 11 के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के अध्याय 4 चतुर्थ पाठ हिमालय का अध्ययन कराएंगे। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर देखेंगे। पहले इसका उच्चारण करते हैं। भारत देशस्य सुविस्तृत्याम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरी पर्वतराजो हिमालय इति नामना अवधीयते जने। अस्य महोच्चानी शिखराणी जगतः सर्वान्नपि पर्वतान् जयन्ति। अतियो लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। अतेवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम्। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टयम् नेपाल भूटान देशः पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्याः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि हिमालयस्याव प्रांतरे तिष्ठति। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तर सीमने स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। हिमालयादिव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्यां महानद्यः शतद्रु विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी प्रभृत्या नद्यश्च समस्तामपि। उत्तर भारत भुवं स्वकीये तीर्थोदकः न केवलं पुनन्ति अपितु इमा सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। अब हम आप को शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं उसके देखिए। भारत देशस्य भारत देश के सुविस्तृत्याम मीन्स दूर दूर तक फैले हुए। उत्तरस्याम दिशि मीन्स उत्तर दिशा में स्थितो मीन्स स्थित। गिरि मीन्स पर्वत पर्वतराजो पर्वतराज हिमालय हिमालय इति मीन्स इस है। नामना अधीयते नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। जनय मीन्स लोगों के द्वारा। अस्य मीन्स इसकी। महोच्चान मीन्स महान और ऊंची ऊंची। शिखराणि मीन्स चोटियाँ। जगत मीन्स संसार की। सर्वनाम मीन्स सभी। पर्वतान मीन्स पर्वतों पर। जयंती मीन्स विजय प्राप्त करती है। अतियो इसीलिए। लोका मीन्स संसार में या लोगों के द्वारा। एनम मीन्स इसे। पर्वतराजम कथयन्त पर्वतराज कहा जाता है। अस्य उन्नतानि शिखराणि अस्य मीन्स इसकी। उन्नतान मीन्स ऊंची ऊंची। शिखराणि मीन्स चोटियाँ। सदैव मीन्स हमेशा। हिमय मीन्स बर्फ से। आच्छादितानि तिष्ठन्ति आच्छादितानि मीन्स आच्छादित तिष्ठन्ति मीन्स रहती हैं। इति अवश्य इसीलिए इसे हिमालय इति हिमगिरी इत्यपि च हिमालय और हिमगिरी इस नाम से सुप्रसिद्ध मीन्स प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रभृतीनि मीन्स इत्यादि। अस्य मीन्स इसकी। शिखराणि मीन्स चोटियाँ। जगत मीन्स संसार की। उन्नत मान मीन्स ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं। संत मीन्स हैं। अस्य मीन्स इसकी। आदित्यकायाम मीन्स ऊपरी समतल भाग में। त्रिविष्ट मीन्स तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर प्रभृत्या आदि भारतीय प्रदेशा संत आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत से उत्तर भारत के पर्वतियों में पर्वतीय भागों भाग में भी हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति। हिमालय के ही प्रांतर में स्थित है। हिमालय के ही गोद में बसा हुआ है।
अयम पर्वत राजा, यह पर्वत राज भारतवर्षस भारतवर्ष के उत्तर सिमनी मीन्स उत्तरी सीमा पर स्थित मीन्स स्थित तत् मीन्स वहाँ पर प्रहरी मीन्स है पहरेदार के रूप में शत्रुभ्यास मीन्स है शत्रुओं से सत्तम मीन्स हमेशा रक्षक मीन्स रक्षा करता है। हिमालय देव हिमालय से निकलकर समुद्रगम्य समुद्र को जाने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी सतलज बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी आदि नदियाँ नदियाँ समस्तामपी समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने द्वारा निर्मित तीर्थों को न केवल पुनर्मी से पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमा सस्य श्यामलामपी कुर्वन्ति से हरी भरी भी बनाती हैं। अब आप लोग अनुवाद देखिए, भारत देश से सुविस्तृत्याम उत्तर दिशि, भारत देश के दूर दूर तक फैले हुए उत्तर दिशा में स्थितो गिरी स्थित पर्वत पर्वत राजो पर्वत राज हिमालय हिमालय इतमिस इस नाम से नाम इति नामना धीयते जनय इस नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चान शिखराणि जगत सर्वनापी इसकी महान और ऊंची ऊंची चोटियां संसार की सभी पर्वतान जयंती पर्वतों पर विजय प्राप्त करती हैं, सभी पर्वतों को क्या है जीत ली हैं। अतियो लोकायनम इसीलिए संसार में या लोगों के द्वारा इसे पर्वतराज कंथयंती पर्वतराज कहा जाता है, इसीलिए लोग इसे क्या कहते हैं पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि इसकी ऊंची ऊंची चोटियां सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा जो है बर्फ से ढकी रहती हैं आच्छादित रहती हैं। एतेवास हिमालया इति हिमगिरी इत्यभिचा नाम सुप्रसिद्धम इसलिए यह हिमालय और हिमगिरी के नाम से प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रवृत्तिमिश आदि अस्य शिखराणी इसकी चोटियाँ जगति उन्नतवान संधि संसार की ऊंची चोटियाँ हैं। अस्य अधित्य कायाम इसके ऊपरी समतल भाग में तिब्बत नेपाल भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय भारतीय प्रदेशासंति आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत से पर्वतीय भागो यपि उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय सेव प्रांतरे तिष्ठति हिमालय के ही प्रांतर में स्थित है हिमालय की ही गोद में बसा हुआ है। अयम पर्वत राजा यह पर्वत राज भारतवर्षस्य भारतवर्ष के उत्तरी सिमने स्थित उत्तरी सीमा पर स्थित होकर के तत्प्रहरी वहाँ पर पहरेदार के रूप में शत्रुभ्या में शत्रुओं से सत्तम रक्षति हमेशा रक्षा करता है। देखिएगा यहाँ कह रहे हैं कि यह जो पर्वत राज हिमालय है यह भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित होकर के वहाँ पर एक पहरेदार के रूप में रक्षक के रूप में क्या है भारत की रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम्य हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी सतलज बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोसी आदि नदियाँ समस्तामपी समस्त जो ये नदियाँ हैं ये सभी नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि समस्त उत्तर भारत की भूमि को स्वकीय अपने द्वारा निर्मित तीर्थोदकय तीर्थों को ना केवलम पुनन्ति ना केवल पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमा सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति इसे हरा भरा भी बनाती हैं। एक बार और देख लीजिए, भारत देशस्य सुविस्तृत्याम उत्तर दिशि स्थितो गिरी पर्वत राज हिमालय इति नामना धीयते जनय भारत देश के दूर दूर तक फैले हुए उत्तर दिशा में स्थित पर्वत
पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगत सर्वानपि पर्वतान जयंती, इसकी महान और ऊंची ऊंची चोटियाँ संसार की सभी चोटियों को जीत लेती हैं। एतयो लोका एनम पर्वतराज कथयति, इसीलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति, करें इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ हमेशा बर्फ से आच्छादित रहती हैं, ढकी रहती हैं। अत्यो अत एवास्य हिमालय इत हिमगिरी इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम, इसीलिए यह हिमालय और हिमगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रवृत्तिन, एवरेस्ट गौरी शंकर आदि अस्य शिखराणी इसकी चोटियाँ जगतानी उन्नतमानी सन्ति, जगत की संसार की ऊँची चोटियाँ हैं। अस्य अधितकायाम इसके ऊपरी समतल भाग में तिब्बत नेपाल भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत से पर्वतीय भागो यपि, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय से प्रांतरे तिष्ठति, हिमालय के ही प्रांतर में स्थित है। अयम पर्वत राजा, यह पर्वत राज भारतवर्ष उत्तरी सीमा स्थिति तत्प्रहरी शत्रुभ्या सत्यम रक्षति, यह पर्वत राज भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित होकर पहरेदार के रूप में शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्रगम्य, हिमालय से निकलकर समुद्र में गिरने वाली गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र महानदी सतलज बिपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी आदि नदियाँ समस्तामपि भी समस्त उत्तर भारत भूमि स्वकीय, उत्तर भारत की भूमि में भूमि को स्वकीय मीन्स अपने द्वारा निर्मित तीर्थोदक मीन्स तीर्थों को ना केवल पुनंती ना केवल पवित्र करती हैं अपितु बल्कि इमा सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति, इसे हरा भरा भी बनाती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आप लोगों को हिमालय शीर्षक के अंतर्गत दो पैराग्राफ्स का अध्ययन कराया है। अगले जो बचा है उसका अगले वीडियो में अध्ययन कराया जाएगा, तब तक आप लोग इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।